जम्मू कश्मीर जिले में जो है वो आतंकवादियों ने एक यात्रियों से भरी बस को जो है वो अपना निशाना बनाया है, जिसमें 10 के करीब लोगों की अब तक जो है वो जान चली गई है, जबकि 33 के करीब लोग जो है वो इस पूरी वारदात में जो है वो गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। और इस समय हम ठीक जीएमसी जम्मू से इस समय की तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर आपको बताने चले कि जीएमसी जम्मू में यहाँ पर पूरी तरह से जो है वो तैयारियां कर ली गई है, ताकि जिन भी लोगों को यहाँ पर ये कहें कि गंभीर हालत में जीएमसी जम्मू में यहाँ पर लाया जाए, तो उन्हें समय रहते जो है वो अंदर पहुंचाया जाए, ताकि उन्हें बेहतर ट्रीटमेंट देकर जो है वो उनकी जान को जो है बचाया जाए। बहुत ही बड़ी ये कहें कि दुखद भरी खबर जो है वो जम्मू कश्मीर के रियासी के शिवगुड़ी इलाके से उस वक्त सामने आई, जब एक ये कहें कि यात्रियों से भरी बस जो है वो शिवकोड़ी से दर्शन करके जो है वो वापस जो है वो आ रही थी, लेकिन ऐसे में जैसे ही जो बताया जा रहा है कि चंडी मोड़ के पास ये बस पहुंचती है, तो ऐसे में गात लगाकर बैठे आतंकवादियों ने बस पर जो है वो अंधाधुंध गोलियां चला दी, और जिसके नतीजे में बस जो है वो ड्राइवर के काबू से बाहर हो गई और काफी ज्यादा गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में बताया ये जा रहा है कि अभी तक 10 के करीब लोगों की जाने चली गई है, लेकिन और भी इसमें जानी नुकसान जो है वो देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि काफी ज्यादा गंभीर हालत में लोगों को वहां से जो है वो इस समय हॉस्पिटल में जो है वो लाया गया। और फिलहाल लगातार एम्बुलेंसेस की बात करें तो वो जो है वो इस समय जो है वो जम्मू में यहां पर जीएमसी जम्मू में यहां पर पहुंच रही हैं। काफी दुखद भरी खबर है जो कि आप तक किस समय जो है वो जीएमसी जम्मू से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, चाहे वो पुलिस हो या फिर जीएमसी के जितने भी सिक्योरिटी गार्ड्स हो, वो इस समय जो है वो पूरे तरीके से तैयारियों में है, ताकि जो भी लोग यहां पर जिन्हें भी लाया जाए तो उन्हें बेहतर ट्रीटमेंट देकर जो है वो जल्द से जल्द ये कहें कि उनकी जानों को बचाया जाए। जम्मू कश्मीर के रियासी इलाके में आतंकवादियों ने एक बहुत ही बड़े ये कहें कि घिनौनी हरकत को वहां पर अंजाम दिया है, जिसमें यात्रियों से भरी बस को जो है वो अपना ये कहें कि वहां पर निशाना बनाया है, और जिसके नतीजे में कई सारी गोलियां बस के ऊपर चली हैं। और वहीं बताइए जा रहा है कि जब बस पर जो है वो फायरिंग हुई, तो ऐसे में बस का जो ड्राइवर था वो जो है वो उसकी बस जो है वो उसके काबू से बाहर हो गई और काफी ज्यादा गहरी खाई में जा गिरी, जिसके वजह से जो है वो 33 के करीब जो यात्री जो है वो शिवकोड़ी से वापस आ रहे थे वो जो है वो उसमें घायल हुए हैं, और उसी के साथ साथ 10 के करीब लोगों की जो है वो उसमें बताई जा रही है कि जान चली गई है, लेकिन जान गंवाने वालों की तादाद अभी और भी बढ़ सकती है। और ऐसे में आप सब लोग माता रानी के आगे, वाहेगुरु जी के आगे, अल्लाह के आगे जरूर ये दुआ करें कि और कोई किस तरह का जानी नुकसान इसमें ना हो। और वहीं रियासी पुलिस की बात करें तो उनकी तरफ से जो है वो इस समय वहां पर अलग अलग सिक्योरिटी फोर्सेज, चाहे वो इंडियन आर्मी हो, CRPF हो या फिर जम्मू कश्मीर पुलिस हो, वो मौके पर वहां पर पहुंच चुके हैं और लगातार वहां पर इस समय जो है वो बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान जारी है। इलाके को पूरे तरीके से खंगाला जा रहा है और पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार जनाब कौन वो आखिरकार आतंकवादी थे जिन्होंने इस तरह से जो है वो रियासी इलाके को जो है वो दहलाने की कोशिश करी है और वहां पर इस तरह से जो है वो घिनौनी वारदात को वहां पर अंजाम दिया है। पाकिस्तान को भी ये कह देना चाहते हैं कि तेरी तरफ से भेजे हुए आतंकवादी या तो मारे जाएंगे या फिर पकड़े जाएंगे, तो ऐसे में इस तरह की घिनौनी हरकतें से जो है वो दूर रहा। लेकिन फिलहाल इस समय की एक बड़ी ही जो दुखद तस्वीरें हैं वो जीएमसी जम्मू से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि रियासी में जो एक बहुत ही बड़ी आतंकवादियों ने अपनी कायराना हरकत दिखाई है, उसके नतीजे में जो है वो कई सारे जो बताया जा रहा है कि लोग जो है वो उसमें गायब हुए। और वहीं SSP जम्मू डॉक्टर विनोद कुमार जी की बात करें या फिर DIG सुनील गुप्ता जी हो, डिपकॉम जम्मू हो, DC जम्मू हो, वो इस समय जो है मौके पर हैं। SSP ट्रैफिक, DIG ट्रैफिक, सब जो है वो इस समय जो है वो GMC जम्मू में यहां पर पहुंचे हैं, ताकि जिन भी लोगों जो भी लोग इस पूरी वारदात में जो है वो घायल हुए हैं वो जल्द से जल्द ठीक हों और सही सलामती जो है वो उन्हें घर वापस भेजा जाए। ऐसे में आप सब लोग भी अपनी अपनी राय जो है वो जरूर साझा करें कि आखिरकार जिस तरह से ये एक बड़ी ही दुखद भरी घटना जो है वो रियासी के शिवगुड़ी इलाके में देखने को मिली है। यहाँ पर आतंकवादियों ने, कायर आतंकवादियों ने एक बार फिर से रियासी इलाके को दहलाकर जो है वो यात्रियों से भरी बस को उस वक्त निशाना बनाया जब ये बस जो है वो शिवकोड़ी से वापस यात्रियों को लेकर वापस आ रही थी, लेकिन ऐसे में चंडी मोड़ के मुकाम पर जब ये बस पहुंचती है तो ऐसे में वहां पर जो है वो ये वहां पर घात लगाकर बैठे आतंकवादी जो है वो इस बस पर जो है वो गोलियां चला देते हैं। वहीं सिविल डिफेंस JNK की बात करें तो वो भी इस समय मौके पर है, और GMC जम्मू के जितने भी सिक्योरिटी गार्ड हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस के जितने भी जवान हैं, और देख सकते हैं इस समय की लाइव तस्वीरें, एम्बुलेंसेस इस समय जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और ये लाइव तस्वीरें इस समय की जम्मू ट्रिब्यून के माध्यम से सबसे बड़ी खबर है कि घायलों को इस समय जो है वो GMC जम्मू में यहाँ पर लाया जा रहा है। इंडियन आर्मी भी साथ है, ताकि जल्द से जल्द आप देख सकते हैं
इंडियन आर्मी हो या फिर बाकी जितने भी इस समय जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो लगातार मौके पर हैं, ताकि जो भी लोग यहाँ पर उस पूरी घटना में घायल हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द बेहतर ट्रीटमेंट दिया जाए और अंदर समय रहते पहुंचाया जाए, ताकि उनकी जानों को जो है बचाया जा सके। आप सभी लोगों से कहेंगे कि दुआ जरूर कीजिएगा। रियासी में जो एक बड़ा ही दुखद घटना पेश आई है, हालांकि इस समय जो है वो इस पूरे मामले को जो है वो अलग अलग एंगल से जम्मू कश्मीर पुलिस देख रही है कि आखिरकार कौन वो आतंकवादी हैं जिन्होंने इस तरह की वारदात को वहां पर अंजाम दिया है। लेकिन फिलहाल सर्च ऑपरेशन वहां पर लगातार जारी है, इलाके को खंगाला जा रहा है और पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार किस तरह से आतंकवादियों ने एक बड़ी ही कायराना हरकत को वहां पर अंजाम दिया है। नगोत्रा जी क्या कहना चाहेंगे, बड़ी ही दुखद घटना रियासी में हुई जिसमें कई सारे लोगों की जाने चले गई हैं, 33 के करीब लोग घायल भी हैं। हम यही एक मैसेज देना चाहते हैं कि कभी सड़क दुर्घटना, कभी टेररिस्ट अटैक, कभी कुछ, कई लोग इंजर्ड हो जाते हैं, कई इस दुनिया से अलविदा हो जाते हैं। तो हमारा ये एक मैसेज है एलजी साहब को, मनोज सिन्हा जी को, कि जो जहाँ पे हेड कर रहे हैं, एक चॉपर सर्विस जरूर रखी जाए। चॉपर सर्विस की हम हर बार अपील करते हैं, आज भी आपके माध्यम से अपील करेंगे, चॉपर सर्विस रखी जाए ताकि जो इंजर्ड लोग हैं वो जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुँचे और जो रेट डेथ रेट है वो कम हो जाए और इंजर्ड जो लोग आते हैं उनका तुरंत इलाज जल्दी से जल्दी समय रहता है। और जो टोल प्लाजा है हमारे, खासकर बन टोल प्लाजा, वो टोल प्लाजा वाले भी कोई बहादुर नहीं करते कि एम्बुलेंस वगैरह आ रहे हैं। हम एम्बुलेंस से रिलेटेड हैं इसलिए हमें पता है कि हमारी भी एम्बुलेंस वहाँ पे आधा आधा घंटा फंसी रहती है। एडमिनिस्ट्रेशन से हम ये बात करते हैं, ऐसे मौके पे जब एम्बुलेंस आ रही हो, खासकर जब कोई अटैक होता है, एक्सीडेंट होता है, मास कैजुअल्टी होती है, तो उस वक्त कम से कम ध्यान रखा जाए कि टाइम वेस्ट ना हो। फिलहाल आप देख सकते हैं इस समय जीएमसी जम्मू में पूरे तरीके से यहाँ पर तैयारियां कर ली गई हैं, जो भी घायल लोग हैं उनको जो है वो जल्द से जल्द हॉस्पिटल के अंदर जो है पहुंचाने की कोशिश यहाँ पर की जाएगी। आप सब लोगों से भी ये कहेंगे कि जरूर जो है वो दुआ कीजिएगा, जिस तरह से रियासी इलाके में एक आतंकवादियों ने बड़ी ही घिनौनी हरकत को वहां पर अंजाम दिया है। ये खड़ा रखना बस, उड़ने के लिए बस उन्हें ये जो आ रहा बस उन्हें ऐसे से पकड़ता है। रियासी इलाके से दुखद खबर सामने आने के बाद जम्मू जीएमसी से इस समय की तस्वीरें हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं हर तरफ जो है वो यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती यहाँ पर है, सिविल डिफेंस जीएनके के साथ साथ जीएमसी का जो स्टाफ है, चाहे वो सुपरिटेंडेंट हो, यहाँ के सीएमओ हो, सारे डॉक्टर्स जो है वो पूरी तरह से तैयारियों में है, ताकि जो भी लोग इस पूरे घटना में जो है वो घायल हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द बेहतर ट्रीटमेंट दिया जाए और उनकी जानों को जो है बचाया जाए। काफ़ी दुखद रहता है जब ऐसी खबरें सामने आती हैं कि अगर क्या बीत रही होगी आज उस परिवार पे जिनके ये घर के सदस्य जो है वो वहाँ पर शिवकोड़ी में तीर्थ करने के लिए वहाँ पर गए थे, दर्शन करने के लिए गए थे, लेकिन किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि इस तरह की भी कोई खबर वहाँ से सामने आएगी। फिलहाल जो लोग इस पूरे आतंकवादी हमले में अपनी जान गंवा बैठे हैं उनकी भी आत्मा की शांति के लिए जरूर दुआ कीजिएगा, और वहीं जो लोग गंभीर रूप से घायल हैं उनकी भी लंबी उम्र की जो है वो दुआ जरूर करें। लेकिन जीएमसी जम्मू से समय की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं तैयारियाँ पूरी हैं और कोशिश यही है कि जो भी लोग यहाँ पर जिन्हें लाया जा रहा है रियासी से, उन्हें जो है वो जल्द से जल्द बेहतर ट्रीटमेंट दिया जाए और उनकी जानों को बचाया जाए। और वहीं हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द जिन भी आतंकवादियों ने इस तरह की वहां पर घिनौनी हरकत को अंजाम दिया है, जल्द ही हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वो ऐसे आतंकवादियों को चुन चुन कर जो है वो इस तरह से ढेर करेंगी कि दोबारा कोई भी पाकिस्तानी इस तरह की हरकत करना तो दूर बल्कि जो है वो सोच भी ना सके। फिलहाल आप सब लोग भी ज़रूर राय दीजिएगा और 10 लोग जो अपनी जान गंवा बैठे हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए जरूर दुआ कीजिएगा। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।
सर क्या कहना चाहेंगे रियासी में जो इंसिडेंट हुआ है, आप सब लोग भी यहाँ पर? बड़े दुखदायक घटना है जी, और हम भी सिविल डिफेंस वाले जहाँ इंतजार कर सकते हैं कि भी जहाँ वो जख्मी आते हैं तो फौरी तौर पे उन्हें फौरी इलाज के लिए अंदर ले जाएंगे। तो जो हमारे वॉलंटियर तैयार हैं बिल्कुल हेल्प करने के लिए। अभी गाड़ियां यहां पर और गाड़ियां यहां पर पहुंचने वाली हैं। पुलिस और की बात करें तो वो भी इस समय जो है वो यहां पर मौके पर है। जीएमसी जम्मू से इस समय दुखद तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर से आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहां पर इस समय जो है वो एम्बुलेंसेस यहां पर पहुंचने वाली हैं और तैयारियां यहां पर कर दी गई हैं। इस समय की सबसे बड़ी ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं, लगातार एम्बुलेंसेस इस समय यहां पर पहुंच रही हैं और जेएनके एसडीआरएफ की बात करें तो वो भी इस समय मौके पर है। सिविल डिफेंस जेएनके के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें तो वो भी इस समय यहाँ पर, और कोशिश हर किसी की इस समय यही है कि जो भी लोग वहाँ से शिफ्ट किए जा रहे हैं उन्हें समय रहते बेहतर ट्रीटमेंट देने के लिए जो है वो सबसे पहले हॉस्पिटल के अंदर जो है पहुँचाया जाए। जीएमसी जम्मू की बात करें तो यहाँ के चाहे वो प्रिंसिपल हों या फिर यहाँ के जो सुप्रिटेंडेंट हैं वो भी इस समय यहाँ पर हैं। पूरे स्टाफ को जो है वो इस समय यहाँ पर अलर्ट पे रख दिया गया है। डीआईजी सुनील गुप्ता जी की बात करें तो वो भी इस समय यहाँ पर हैं और लगातार तस्वीरें इस समय की जो है वो जीएमसी जम्मू से आपको दिखा रहे हैं, चाहे वो डीआईजी ट्रैफिक हों या फिर डीआईजी जो जम्मू कश्मीर पुलिस हैं डिपकाम रमेश कुमार जी भी मौके पर हैं। पूरी तरह से तैयारियां इस समय यहाँ पर कर ली गई हैं कि अगर किसी को भी यहाँ पर लाया जाए तो उसको सबसे पहले जो है वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस समय के आपको जम्मू ट्रिब्यून पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एडिशनल डीसी शिशिर गुप्ता जी की बात करें तो वो भी इस समय यहाँ पर पहुँचे हैं, और वहीं डीआईजी डॉक्टर सुनील गुप्ता जी और इसी के साथ साथ डिपकाम जम्मू रमेश कुमार जी यहाँ पर मौके पर मौजूद। रियासी इलाके में आतंकवादियों ने एक बहुत ही बड़ी कायराना हरकत को वहाँ पर अंजाम दिया और जिसके बाद हर किसी की आंखें नम हैं, हर किसी में काफ़ी ज़्यादा गुस्से की लहर आया और हर कोई चाहता है कि इस चीज़ का बदला जो है वो ज़रूर लिया जाए। फिलहाल आप देख सकते हैं कि इस समय एम्बुलेंसेस यहाँ पर पहुँच रही हैं और लाइव तस्वीरें इस समय की आप देख सकते हैं यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार आप देख सकते हैं कि इस समय यहाँ पर कई सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं वो यहाँ पर लगा दिए गए हैं, ताकि देख सकते हैं कि इस समय की लाइव तस्वीर आप देख सकते हैं कि जो लोग रियासी आतंकवादी हमले में घायल हुए हैं उन्हें इस समय जो है वो जम्मू में यहाँ पर लाया गया है, और सिविल डिफेंस के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस और एसडीआरएफ इस समय मौके पर और लगातार इस समय जो है वो घायलों को यहाँ पर समय रहते कोशिश की जा रही है कि उन्हें जो है वो हॉस्पिटल के अंदर ट्रीटमेंट के लिए जो है पहुँचाया जाए। रियासी के अंदर एक बहुत ही बड़ा दर्दनाक ये कहें कि आतंकी हमला जो है वो देखने को मिला है, जिसमें कई सारे जो लोग जो घायल हैं। हालांकि बस की बात करें तो बस जो है वो काफी ज्यादा गहरी खाई में जा गिरी थी, लेकिन अब आप देख सकते हैं इस समय की ये सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीरें जम्मू ट्रिब्यून के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर इस समय जो है वो जीएमसी जम्मू से आप देख सकते हैं कि घायलों को जो है वो यहाँ पर जो है वो इस समय लाया गया है। वहीं लोकल लोगों की बात करें तो इन्हें भी सैल्यूट करना होगा जो इस समय जो है वो आगे हैं। दोन दोन स्ट्रेचर दोन आओ
काफी गंभीर हालत में जो है वो लोगों को इस समय यहाँ पर लाया गया है और कंडीशन बहुत नाजुक है। आप सभी लोगों की दवाओं की बहुत जरूरत है। बहुत ही बड़ा दिल को दहला देने वाला आतंकवादी हमला जो है वो रियासी में उस वक्त हुआ है जब शिवकोड़ी से दर्शन करके जो है वो यात्री जो है वापस लौट रहे थे, लेकिन ऐसे में आतंकवादियों ने घात लगाकर जो है वो इस गाड़ी पर हमला किया है और जिसके नतीजे में आप देख सकते हैं कि कई सारे जो लोग हैं वो जो है वो यहाँ पर ये सभी वो इंजर्ड हैं जो कि हमला हुआ है रियासी के अंदर। लगातार आप देख सकते हैं कि इस समय जो है वो घायलों को हॉस्पिटल के अंदर शिफ्ट करने की कोशिश यहाँ पर की जाती हुई और ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर काफी गंभीर हालत में लोगों को इस समय जो है वो जीएमसी जम्मू में यहाँ पर लाया गया है और ये सब के सब लोग जो है वो फिलहाल बाहर के रहने वाले यहाँ पर बताए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल अभी इलाके में जो है वो सर्च ऑपरेशन वहाँ पर जारी है और लगातार आप देख सकते हैं हर कोई जो है वो यहाँ पर कोशिश यही करता हुआ कि जो भी लोग इस पूरी घटना में घायल हैं उनको जो है वो जल्द से जल्द बेहतर ट्रीटमेंट जो है वो दिया जाए। और ये एम्बुलेंस के अंदर से तस्वीरें इस समय की आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर रियासी आतंकवादी हमले में घायल लोगों को जो है वो जीएमसी जम्मू में यहाँ पर लाए गए हैं। एसएसपी जम्मू डॉक्टर विनोद कुमार जी की बात करें तो वो भी इस समय मौके पर हैं और डीआईजी सुनील गुप्ता जी के साथ साथ टीम काम जम्मू की बात करें तो वो भी यहाँ पर हैं। हर तरफ जो है वो इस समय यहाँ पर अफरा तफरी का